हर शाम सब साथ होकर खूब कारनामे मचाते थे। हर शाम सब साथ होकर खूब कारनामे मचाते थे क्योंकि अपनी जिंदगी में कोई उस टाइम कितना भी बिजी हो क्रिकेट से दूर नहीं रह पाते थे। क्रिकेट इंडिया में धर्म है, क्रिकेट इंडिया में धर्म है, क्रिकेट इंडिया में दिल है, क्रिकेट इंडिया में जान है, क्रिकेट और इंडिया का सम्मान है। क्रिकेट हर गली में एक विराट, सौरव या धोनी बसता है और इसलिए तो यार इंडिया हर रोज इतने इतिहास रचता है। अब ऐसे 11 की होती है टीम, ये तो सबको पता है ऐसे 11 की होती है टीम, पर एक गली क्रिकेट है यार, इतने सारे लोग कौन लाए। तो जितने भी लोग मिल जाए सबको मिलाकर एक टीम बना लिया करते थे और बस सबको बस एक बात का डर था कि बॉल नाली में ना जाए यार, फिर उठाने कौन जाएगा। 10-10 रुपए मिलाए, 10-10 रुपए मिलाए, सब साथ मिलकर एक बॉल लाए और सबसे बुरा तब लगता था जब वो एक बॉल भी उड़ जाए। और अब सबसे सेकुलर एग्जांपल है ना इंडिया में, मतलब सारे सेकुलर क्रिकेट है, धर्म जात नहीं देखते इसमें, देखते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं। हर कोई को अपनी टीम में करते थे शामिल, ये नहीं देखते थे कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ये देखते थे कि वो कितना काबिल। अब टीम बटने के बाद ऐसा होता है ना कि सब टीम बट गई, अब एक प्लेयर रहता है वो किसी को नहीं चाहिए रहता, मतलब वो सबसे बेकार खेलता है, वो मैं हूँ। बैट जिसका उसी की पहले बैटिंग हुआ करती थी और उसके लिए ना पहली बॉल हमेशा ट्रायल हुआ करती थी और वो हमेशा घर भाग जाया करता था, फिर उसकी टीम उसकी बैटिंग का खामियाजा भरा करती थी। वन टिप वन हैंड, कार पे लगी तो आउट, दीवार पे लगी तो आउट, ऐसे कई अजीब रूल से और मज़ा आता था। और एक बात ज़रूर है दोस्तों, हर कोई अपनी टीम को एक ना एक बार जिताना ज़रूर चाहता था। अब इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ, देखा ना आप लोगों ने, मौका यार, वही सरफराज खान, देखा ना। तो ऐसा माहौल हमारे तब होता था जब मतलब किसी दूसरी गली से मैच हो, मतलब जैसे हमारी गली और सामने वाली गली, तो इंडिया पाक का माहौल भी उस मैच के सामने हो जाता था फेल। और उस दिन ना हर एक टेल एंडर बैट्समैन भी बन जाता था क्रिस गेल। जो अब ऐसा एक समय आया कि रोज़ हम लोग क्रिकेट खेलते थे, फिर ऐसा हुआ कि एक संडे खेलने लगे, फिर एक टाइम आया जब वो संडे आए ही नहीं। जो लोग हर रोज़ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार रहते थे अब शायद उनका मन भर गया था, अब उन्हें क्रिकेट बोरिंग लगने लगा था। लोगों को वही क्रिकेट जो उनकी जान थी आज बोरिंग लगने लगा, और मुझे हर कोई ये यार क्रिकेट के लिए कॉल करेगा इस बात से फ़ोन रखने लगा। अब महफिल यारों की जमती तो है पर पबजी के खेल में, अब एक मतलब हमारे एक बॉल चली जाती थी एक जगह, उसको हम लोग जेल का नाम दिया था। तो अब महफिल यारों की जमती तो है पर पबजी के खेल में अब बॉल नहीं जाती अंकल की जेल में, अब शॉट लगते हैं पर बल्ले से नहीं किसी पबजी की गन से, अब बच्चे गली में खेलते नहीं दिखते वही जोश और लगन से। अब पूछता हर फेरी वाला कि बच्चों को क्या हो गया है, पूछता हर फेरी वाला कि बच्चों को क्या हो गया है, क्या इनका बचपन अभी से खो गया है क्यों। अब सारे मैदान खाली से लगते हैं, अब सारे मैदान खाली से लगते हैं, सारे मोबाइल गेम्स ना बच्चों को दुखाली से ठगते हैं क्यों। बच्चे जिन पे मुस्कान अच्छी लगती है आज उन पे अकेलापन छाया है, क्या ये पबजी का साया है। अब आज भी वो दिन याद करता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं, आज भी वो दिन याद करता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं, और देखते ही देखते जो यार मेरी जान थे उनसे बातें और कम हो जाती हैं, क्योंकि ये बचपन की खास यादें हैं, ये बचपन की याद खास रहती है, दिल के पास रहती है, क्योंकि ये गली क्रिकेट का दौर था और इसका मज़ा ही कुछ और था। थैंक यू।